नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव आज अल सुबह दिल्ली से गिरफ्तार कर लिए गए। इसके साथ ही छापेमारी भी हुई और जो दस्तावेज बरामद हो रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि कितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस स्कैम को अंजाम दिया गया था। बता दें आपको कि भोला यादव के गिरफ्तार होने के बाद सवाल ये पूछे जा रहे हैं, क्या लालू परिवार के और लोग यानी कि जो इस मामले में शामिल हैं, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव, वो भी गिरफ्तार होंगी क्या, और इनकी क्या भूमिका थी, ये कौन सा स्कैम है लैंड फॉर जॉब जिसको कहा गया, IRCTC इसमें शामिल है। दरअसल 2004 से लेकर के 2009 तक लालू प्रसाद यादव UPA 1 में रेल मंत्री हुआ करते थे, तब तक उनका चारा घोटाला उजागर हुआ हो चुका था, लिहाजा उन्होंने रिश्वत लेने का अनोखा तरीका अपनाया था कि कैश में पैसा ना लेकर के जमीन ली थी, और जमीन जब पूरी तरीके से ट्रांसफ़र हो गई थी उसके बाद जिन लोगों को रेलवे में नौकरी दी उनको अस्थाई भी कर दिया था। अब इसी में भोला यादव इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि उस जमाने में ये लालू प्रसाद यादव के OSD हुआ करते थे। बाद में 2015 में ये दरभंगा के बहादुरपुर से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत भी गए थे, विधायक बने, और उधर 2020 में जब ये चुनाव लड़े तो चुनाव हार गए। इनके बारे में कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के इतने नज़दीकी और राजदार हैं कि इनकी बात को तेजस्वी और तेज प्रताप भी नहीं काट सकते। घर में बड़ा इनका आदर और सम्मान है क्योंकि ये सब कुछ जानते हैं। पार्टी में जो टिकट अलॉट होता है, दिया जाता है, उसमें बेशक लालू प्रसाद यादव मुहर लगाते हैं लेकिन इनकी अहम भूमिका होती है सिंबल, यही अलॉट करते हैं। तो आखिरकार ये भोला यादव ठीक है लालू प्रसाद यादव के नज़दीक आ गए, इनके पास कितनी संपत्ति है और ये संपत्ति आई कहाँ से? तो अकूत संपत्ति है, लेकिन 2015 में जो इन्होंने एफिडेविट दाखिल किया था उसमें जो इन्होंने ब्यौरा दिया था उसमें 3.5 करोड़ की अपनी संपत्ति बताई थी, तो वो तो बात 2015 की है। वैसे भी जो रिश्वत के पैसे आते हैं कभी उसे पति पत्नी के नाम से शो किया नहीं जाता है, अदर रिश्तेदार और जानने वालों के नाम किया जाता है क्योंकि इससे शक होने लगता है कि आखिरकार आपके पास इतनी प्रॉपर्टी आई कहां से। अब ये जो मुख्य किरदार हैं लालू परिवार से चार और भोला यादव के अलावा और कौन कौन हैं, तो वो 12 नाम आ रहे हैं जिन्होंने की जमीन दी और नौकरी ली। सुनिए इस पर एक रिपोर्ट। CBI ने FIR में लालू परिवार के 4 सदस्यों के साथ जमीन देकर नौकरी लेने वाले 12 व्यक्तियों का भी पूरा ब्यौरा दिया है। जो जानकारी है उसके मुताबिक ये पूरी ज़मीन पटना में ही है और इसका कुल रकबा 1,05,292 वर्ग फीट है। सर्किल रेट के अनुसार सभी की कीमत 4,39,80,650 रुपये है। जो जानकारी है उसके मुताबिक राजकुमार, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को नौकरी देने के नाम पे किशन देवराय उनकी पत्नी सोनमतिया देवी से 6 फरवरी 2008 को महुआ बाग की 3,375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी के नाम पर ट्रांसफ़र कराई गई। जमीन की कीमत 3,75,000 दिखाई गई। इसके एवज में तीनों को सेंट्रल रेलवे मुंबई में नौकरी मिली। संजय राय, धर्मेंद्र राय, रविंद्र राय ने अपने पिता कामेश्वर राय की महुआ बाग की 3,375 वर्ग फीट जमीन 6 फरवरी 2008 को राबड़ी देवी के नाम पर रजिस्ट्री की। इसके एवज में इन्हें सेंट्रल रेलवे मुंबई में ग्रुप डी में नौकरी मिली। इसी तरह से किरण देवी नाम की महिला ने 28 फरवरी 2007 को बीटा की अपनी 80,905 वर्ग फीट 1 एकड़ 85 डिसमल जमीन लालू प्रसाद की पुत्री मीसा भारती के नाम कर दी। इस जमीन के एवज में किरण देवी को 3,70,000 रुपये और उनके पुत्र अभिषेक कुमार को सेंट्रल रेलवे में मुंबई में नौकरी दी गई। हजारी राय ने महुआ बाग की अपनी 9,527 वर्ग फीट जमीन 10.83 लाख रुपए लेकर में सर AK इन्फोसिस के नाम लिख दी। इसके बदले में हजारी राय के दो भांजे दिलचंद कुमार, प्रेमचंद कुमार में से एक को पश्चिम सेंट्रल रेलवे जबलपुर और दूसरे को पूर्वोत्तर रेलवे कोलकाता में नौकरी दी गई। CBI जांच में पाया गया कि इस कंपनी की सारी संपत्ति पूरे अधिकार के साथ वर्ष 2014 में लालू प्रसाद की बेटी और पत्नी को हस्तांतरित किए गए। वहीं लाल बाबू राय ने महुआ बाग की अपनी 1,360 वर्ग फीट जमीन 23 मई 2015 को राबड़ी देवी के नाम ट्रांसफ़र की, जिसके एवज में लाल बाबू को 13 लाख रुपए मिले। इसके पहले ही उनके पुत्र लालचंद कुमार को 2006 में उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में नौकरी लग गई। इसी प्रकार ब्रजनंदन राय ने महुआ बाग की अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन 29 मार्च 2008 को गोपालगंज निवासी हृदयानंद चौधरी को 4 लाख
21,000 रुपये लेकर ट्रांसफ़र की। बाद में ये ज़मीन हृदयानंद चौधरी ने लालू प्रसाद की बेटी हेमा यादव के नाम कर दी। ज़मीन जब तोहफे में दी गई उस वक्त सर्कल रेट 62,10,000 रुपये था। हृदयानंद चौधरी को पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में साल 2005 में ही नौकरी मिल गई थी। विशुनदेव राय ने महुआबाग की अपनी 3375 वर्ग फीट ज़मीन 29 मार्च 2008 को सिवान के रहने वाले ललन चौधरी के नाम दिया और ज़मीन हेमा यादव को 28 फरवरी 2014 को उपहार दे दी। सीबीआई के मुताबिक इस तोहफे के बदले में विशुनदेव राय के पोते पिंटू कुमार को पश्चिम रेलवे मुंबई में नौकरी दी गई। तो जैसा कि आपने सुना, ये है पूरा स्कैम। और अब लालू यादव के परिवार के अन्य सदस्यों पर भी तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।